हेलो स्टूडेंट, एक गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे या जिनको भी प्रॉब्लम हुआ था, और 29th of June जो लास्ट डेट थी FYJC ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो डेट बढ़ चुकी है। अब आप 4 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। जनरल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड HSUC स्ट्रीम के लिए ये फॉर्म के जो लिंक है 4 जुलाई शाम के 5 बजे तक शुरू रहेंगे। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं भरा था, वो सारे स्टूडेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों भर पाएंगे। उसके साथ ही SEBC एंड EWS कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं, उसके अनुसार जिसको भी अपनी कैटेगरी चेंज करनी है या कैटेगरी में अगर वो ओपन कैटेगरी के हैं, तो ओपन कैटेगरी के लिए जो SEBC और EWS कोटा होता है, उसके अंडर भी वो जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको अपना पार्ट 1 जो है वो रिसेट कराना होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म गाइडेंस सेंटर या स्कूल से, और उसमें EWS या SEBC कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो जो पूरा शेड्यूल है वो इस तरह से देख लीजिए, 4 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है, और 5 जुलाई को जो है एक जनरल मेरिट लिस्ट आएगी। जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनकी डिटेल्स और मेरिट नंबर उनको मिलेगा। वो लोग 6 और 8 जुलाई, इन 2 दिन के अंदर कुछ अगर करेक्शन है तो करेक्शन कर सकते हैं गाइडेंस सेंटर के थ्रू। देन फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगा 12 जुलाई को शाम को 6 बजे। 12 जुलाई शाम को 6 बजे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद 13, 15 एंड 16 जुलाई को जो बच्चे जिनका नाम आया है, जिस कॉलेज में अलॉट हुआ है नाम, उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके और फीस सबमिट करके एडमिशन लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड जो है 12 जुलाई को फर्स्ट लिस्ट निकलने वाली है, ध्यान रखो बच्चों। और 17, 18 जुलाई के बाद जो बच्चे जो है 16 जुलाई के बाद वापस अपना फॉर्म भर पाएंगे सेकेंड राउंड के लिए, 17, 18 जुलाई को। तो 17, 18 जुलाई के बाद 22 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसमें कॉलेज अलॉट होगा। सेम पहली मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो हुआ था एडमिशन लेने के लिए, 23, 24 और 25 तारीख को वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे। और जिन बच्चों का नाम नहीं आया होगा उन लोगों के लिए वापस से फॉर्म भरने के लिए खोला जाएगा 27th से 29th जुलाई तक, वो फिर अपना फॉर्म भर पाएंगे। और थर्ड राउंड जो है उसकी लिस्ट लगेगी 1st अगस्त को, जिसमें थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी और कॉलेजेस अलॉट होंगे। इस थर्ड राउंड तक जितने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, फिर जनरली सभी कॉलेज जो है स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जिस थर्ड राउंड तक जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ होगा, तो वो बच्चे जो है स्पेशल राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो कि 6th अगस्त एंड 7th अगस्त को फॉर्म भरना है और 9th अगस्त को स्पेशल मेरिट लिस्ट निकलेगी। ATKT के स्टूडेंट्स के लिए भी इस स्पेशल राउंड में अरेंजमेंट हो सकता है फॉर्म यानी पार्ट 2 भरने का। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका पार्ट 2 अभी फिलअप नहीं हो पा रहा है, उनका मार्क्स फेच नहीं हो रहा है, तो ये जो स्पेशल राउंड है इसमें ATKT के लिए एडमिशन हो सकता है, या इसके बाद स्पेशली ATKT के लिए नया स्पेशल राउंड भी निकल सकता है। FYJC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सारी डिटेल जो है मिलती रहे।